भाई और बहनों, 21वीं सदी का भारत बड़े लक्ष्यों को तय करके उन्हें तेजी से प्राप्त करके ही आगे बढ़ सकता है। और आज जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो नई पद्धति अपनानी होती है, नई व्यवस्थाएं बनानी होती है। आज केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी से इसी प्रयास में जुटी है। देश का फर्टिलाइजर सेक्टर भी इसका गवाह बन रहा है। बीते दशकों में हमने देखा है कि देश फर्टिलाइजर के लिए ज्यादातर विदेशों पर इंपोर्ट करके उसी पर हम अपना गुजारा करते थे। यूरिया की डिमांड पूरी करने के लिए जो कारखाने लगे भी थे वो भी टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण बंद हो चुके थे, जिसमें रामागुंडम का खाद कारखाना भी था। इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत थी, इतना महंगा यूरिया विदेश से आता था लेकिन वो किसान तक पहुंचने के बजाय अवैध कारखानों में चोरी करके पहुंचाया जाता था। इससे किसानों को यूरिया पाने के लिए रात रात भर कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और कई बार लाठियां भी झेलनी पड़ती थी। 2014 से पहले हर साल हर सीजन में यह समस्या किसानों के सामने आती थी। साथियों, 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पहला काम ये किया कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग कर दी। इससे यूरिया की काला बाजारी रुक गई। केमिकल की फैक्ट्री में जो यूरिया पहुंच जाता था वो बंद हो गया। खेत में कितना यूरिया डालना है ये पता करने के लिए भी किसान के पास बहुत सुविधा नहीं थी, रास्ते नहीं थे। इसलिए हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड इस देने का पूरे देश में अभियान किया। सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से किसान को ये जानकारी मिली कि भाई अगर हमें उपज बढ़ानी है तो बेवजह यूरिया के उपयोग की जरूरत नहीं है। उसको मिट्टी के स्वभाव का पता चलने लगा।